नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे RBNL के बारे में। लगातार इसमें दो दिन के अंदर जो है 30% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो क्यों दिया है पहले उस चीज़ को, न्यूज़ को लेकर बात करेंगे। लास्ट में जो रहेगा हम टेक्निकल को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला चीज़ जो है कल के दिन 18% का इसमें अपसाइड का मूवमेंट दिया था फ्राइडे के दिन। तो क्यों ये दिया गया था, तो RBNL जो है और दिल्ली मेट्रो है एक तरह से MOU साइन किए थे, जिसमें ना ये काम करने वाले नए ट्रैक लाइन सेटअप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करना, साथ में टेक्नोलॉजी को लेकर बात करना, सेफ्टी को लेकर बात करना, तो इन सब चीज़ों का ना MOU साइन हुआ था, जिस वजह से स्टॉक में 18% का अपसाइड दिया था और शानदार एक ब्रेकआउट लिया था। फिर दूसरा, आज के दिन क्यों इसमें 12% का अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ना एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है और बहुत ही जल्द बजट भी आने वाला है। तो बजट का डेट पहले बता देता हूँ आपको, 22 जुलाई से चालू होने वाला है और ये 12 अगस्त तक रहेगा। तो इन डेट के अंदर और इनसे पहले जो है स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और रेलवे से जो इनके मिनिस्टर्स हैं, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, इनका क्या कहना है, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि 2500 न्यू जनरल कोचेस, पैसेंजर कोचेस सेटअप करना है, बनाना है, 10,000 एडिशनल कोचेस बनाना है, फिर बाद में 50 न्यू अमृत भारत ट्रेन लॉन्च करना है, मतलब चालू करना है, और हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन सर्विस ये सब करना है। इसके लिए ना गवर्नमेंट ना एडिशनली जो है बहुत ही बड़ा बजट लेके आएंगे, मतलब हर साल तो आता ही था, उसके साथ साथ जो है अभी और भी नए सेफ्टी के साथ ना लॉन्च, मतलब बजट आएगा। इस वजह से ना न्यूज़ में आते ही सभी रेलवे स्टॉक, जैसे कि IRCTC हो गया, IRFC हो गया, IRFC देखो दो दिन के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया, 200 लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फिर हमें टेक्समो रेल हो गया, जुपिटर वैगन हो गया, सभी स्टॉक्स में शानदार रिटर्न दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए, तो देखिए काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है और दो दिन के अंदर काफ़ी अच्छा, मतलब 30% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पे ना बीच में एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा 1 से 2 दिन के लिए, क्योंकि अभी जो है आज 8 तारीख है और 22 तारीख से चालू होने वाला है। तो बीच में ना थोड़ा बहुत गिरावट रहेगा, मगर एक गिरावट में खरीदारी का मौका रहेगा आपके पास। तो सपोर्ट लेवल अभी फिलहाल तो आपके पास 520 रुपये का है। पहला टारगेट होना चाहिए आपका 600 रुपये, दूसरा टारगेट रहेगा 640 रुपये तक का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये RBNL तो बहुत ही अच्छा शेयर है, जो कि हर हफ्ता, जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ लगातार बताते जाता हूँ कि हर वीक में ना इनको कम से कम 200 करोड़ का ऑर्डर मिलता ही है, इस वजह से भी ये स्टॉक हमेशा फोकस में रहता है। तो सारे कंडीशंस मैंने बताए हैं, चैनल पहली बार आते हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। भाई साहब कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जय हिंद।